तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पे ऑल न्यू टीवीएस की अपाची आरटीआर 162V का फ्रेंड्स टी ग्रे कलर, जो कि इसका फ्रेंड्स टॉप मॉडल भी है और फाइनली बाइक जो है वो अवेलेबल भी हो चुकी है ग्रे कलर में। तो अभी फ्रेंड्स आपको हम यहाँ पे इसका वॉक राउंड देने वाले हैं, बाइक का डिजाइन दिखाएंगे, ग्राफिक्स दिखाने वाले हैं। तो अगर आप भी न्यू बाइक परचेस करने का प्लान बना रहे थे तो आप आज के इस वीडियो को देख ले, आपकी सभी डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स जल्दी से 5 लाख सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट कराएं, ताकि फ्रेंड्स आपके लिए और भी वीडियोस जो है वो ला पाएं। और फ्रेंड्स हमने जो है इस बाइक को परचेस करने का भी सोच रखा है, मतलब डिलीवरी हम लेने वाले हैं। अब इसका जो टॉप मॉडल है वो आ चुका है, तो चलिए सबसे पहले आपको हम डिजाइन दिखा देते हैं बाइक का कि आपको कैसा मिल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लुक्स देख लीजिए, ओवरऑल में यहाँ पे आपको काफी अच्छा मिलता है। फ्रंट हेड का डिजाइन आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे स्मार्ट जो है वो कनेक्ट की आपको बैजिंग मिल जाती है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि ये इसका टॉप मॉडल है। और यहाँ पे आप ग्राफिक्स जो है वो देख पा रहे होंगे, आपको बिल्कुल ही नहीं, यहाँ पे येलो कलर में ग्राफिक्स मिलता है, तो ग्रे और येलो का जो है वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिलता है। फ्रंट में यहाँ पे जो है वो कार्बन फाइबर टाइप का थोड़ा सा फिनिशिंग दिया गया है डिजाइन में, और ये जो है पूरा मैट ग्रे कलर है यहाँ पे। और फ्रेंड्स ग्राफिक्स जो है वो भी आपको मैट में ही मिलता है, तो डिजाइन ओवरऑल में यहाँ पे काफी अच्छा आता है। और अगर आप यहाँ पे साइड लुक देखते हैं तो साइड से बाइक काफी अच्छी लग रही है। यहाँ पे फ्रंट में जो फ्रेंड्स आपको टायर है वो मिलता है 90x90 का 17 इंच का, और रियर का जो टायर है वो फ्रेंड्स आपको मिल जाता है 120x70 का 17 इंच का। तो आप डिजाइन देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स बाइक का काफी अच्छा आ रहा है। और ओवरऑल में इस बार जो वाइडर टायर है वो भी यहाँ पे कंपनी ने ऑफर कर दिया है। टीवीएस रिमोरा सीरीज के ही आपको टायर जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और टेल लाइट्स का डिजाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं नजदीक से। बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कनेक्टिविटी फीचर जो है वो भी मिल जाता है, वो भी अभी आपको हम दिखाने वाले हैं। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं अपाची का आपको लोगो मिलेगा, और ग्राफिक्स यहाँ पे आपको मगर डिटेल्स में दिखाना चाहें तो काफी अच्छा आपको मिलता है। यहाँ पे येलो और थोड़ा सा कार्बन फाइबर टाइप का जो है वो यहाँ पे फिनिशिंग दिया गया है। नीचे में RTFI की आपको बैजिंग मिल जाती है, रेस्ट यूनिट फ्यूल इंजेक्शन की। यहाँ पे फ्रंट में आपको जो है वो सुपर मोटो ABS की बैजिंग मिल जाती है, मतलब सिंगल चैनल ABS कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। TVS रेसिंग का आपको यहाँ पे बैज मिल जाता है, इंजन काउल पे न्यू डिजाइन का इंजन काउल है, और इंजन तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर रही है सेम, जो कि 16.3 BHP का जो है पावर प्रोड्यूस करता है। और ओवरऑल में अगर आप देखते हैं तो 5-स्पीड गियरबॉक्स सेटअप के साथ आ जाती है बाइक्स। यहाँ पे आपको रेयर में मिल जाता है MIG के फ्रेंड्स यहाँ पे मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस चार शॉक एब्जॉर्बर्स, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। फ्रंट में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक फोक्स। और अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे इसके सीट्स के बारे में, तो सिंगल में कंपनी आपको सीट जो है वो ऑफर कर रही है, और इस साइड से आपको यहाँ पे साड़ी गार्ड और जो है वो लेडीज फुटरेस्ट वगैरह सब लगा के मिल जाएगा। अभी लगा नहीं है क्योंकि बाइक अभी तुरंत ही आई है। और यहाँ पे आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स का सेटअप दिखेगा, ओपन चेन सिस्टम के साथ बाइक आ रही है, न्यू चेन कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे। और अगर हम मीटर की बात करते हैं तो वो अपडेट हो चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स व्हाइट कलर की जो है वो आपको बैक लीट यहाँ पे मीटर मिल रही है, जो कि इसके टॉप मॉडल में ही आपको देखने को मिलेगा, सेम 4B के जैसा, जैसे कि फ्रेंड्स आपको 4B के टॉप मॉडल में यहाँ पे जो मीटर मिलता है वही कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर आपको मिल रहा है, यहाँ पे साइड स्टैंड आपको जो है वो सेंसर देखने को मिल जाता है, और बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मोड्स का एक स्विच मिल जाता है, जिसे कि आप मोड चेंज कर सकते हैं अर्बन, स्पोर्ट्स और रेन। बाकी यहाँ पे एवरेज शो कर देता है आपको, यहाँ पे फ्रेंड्स जो है वो RPM इंडिकेटर मिल जाता है, टाइम इस साइड में यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अदर लाइट्स की, तो इंजन वाल फंक्शन लाइट, ABS लाइट, न्यूट्रल का लाइट, लो फ्यूल इंडिकेटर, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मिल जाता है इंजन ऑन का सिग्नल, यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रेंड्स पार्किंग का जो है वो ऑप्शन, इंडिकेटर्स का आपको यहाँ पे मिल जाता है, और बाकी यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दो स्विचेस मिलता है, जो कि यहाँ पे आप फ्रेंड्स मेन्यू को जो है वो टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्रेंड्स हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे पास, और कंपनी इस साइड में आपको हॉर्न प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पे जो हॉर्न है वो आपको काफ़ी लाउड मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है रेसिंग सिंस 1982, तो आप इसे इजिली कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ पे अपने फ़ोन से, मतलब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे और बस आपको कनेक्ट कर लेना है। बाकी यहाँ पे आपको क्लिप ऑन में जो है वो हैंडल बार्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको RTR 160 की बैजिंग मिल जाती है, और साइड लुक यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है बाइक का। बाकी अगर ओवरऑल में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी आपको जो ग्रैब हैंडल्स है वो स्प्लिट में प्रोवाइड करती है, और टेल लाइट्स का डिज़ाइन यहाँ पे काफ़ी अच्छा आ रहा है। इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे बल्ब में मिल जाता है, और जो कि काफ़ी अच्छे डिज़ाइन का है। इस साइड से आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर जो है वो मिल रहा होगा, और एग्जॉस्ट के यहाँ पे फ्रेंड्स आपको न्यू डिज़ाइन में यहाँ पे मफलर देखने को मिलता है। रियर में यहाँ कंपनी डिस्क ब्रेक्स आपको प्रोवाइड कर दे रही है, और फ्रंट में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, बट बाइक जो है वो सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। तो ओवरऑल में फ्रेंड्स ये है इसका राइट हैंड साइड का लुक। और अगर हम बात करते हैं बैक लुक की, तो बैक से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बाइक को, और ये है फ्रेंड्स इसका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का लुक। तो ये बस एक यहाँ पे छोटा सा वॉक राउंड था न्यू अपाची का। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जल्दी से फ्रेंड जो टारगेट है उसे कंप्लीट करा दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।